हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शंस में। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट कर लें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यशप निरोड़ा जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, चुनौतियों के खिलाफ आत्मिक ताकत। जिस तरह दो राजाओं की पुस्तक अध्याय 2 की 6 आयत में लिखा है, फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने लोगों से पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि परमेश्वर आपको कारोबार के साथ आशीषित करें, आपका उद्देश्य क्या है? किसी ने कहा कि मेरी लड़की की शादी हो जाए, किसी ने कहा कि मेरे बच्चे बाहर के देश में पढ़ें, मैं अपने परिवार को अच्छा सुख दे सकूं, और परमेश्वर के लिए क्या चाहिए? तो बोलते हैं कि अभी मैंने सोचा नहीं, और इसलिए उनके साथ वैसा नहीं होता जैसा वे चाहते हैं। मूसा ने यहोशू से कहा, सामने जाकर दुश्मनों से लड़, अपने लोगों को इकट्ठा कर, और उनका अगवा तू है। ऐसा कहना बहुत आसान है पर करना मुश्किल है। लेकिन यहोशू पीछे नहीं हटा, उसने उस चुनौती को पार किया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को इजराइल का अगुआ चुना। आपकी 10,000 की नौकरी में भी 10 चुनौतियां हैं, उसमें भी बहुत सी समस्याएं हैं, और लोग बोलते हैं कि हमें सेवा में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इसलिए आज फेल होकर बैठे हैं, क्योंकि आपको हर चीज के लिए ताकत लगानी पड़ती है। आत्मा में आजाद होने के लिए भी ताकत लगानी पड़ती है। कुंड के किनारे सारे रोगी आग से भरे हुए बैठे हैं कि पहले मैं चंगा होऊंगा, पर चंगा वही होगा जो पानी में उतरेगा। हालेलुया। एलिशा को पता था कि एलिया ने स्वर्ग में उठाया जाना है। अब सिर्फ एलिशा एलिया के पीछे जा रहा है, और बाकी चेले एलिशा के पीछे आकर बोलते हैं कि आज तेरे गुरु ने स्वर्ग में चढ़ जाना है। एलिशा ने कहा कि मैं जानता हूँ, पर तुम चुप रहे। सारे चेले इस बात को जानते थे, पर किसी ने एलिया का पीछा नहीं किया। सारे लोग जानते हैं कि यहाँ चर्च में परमेश्वर की हजूरी है, सब जानते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है, लेकिन काम करना मुश्किल है। इसलिए एक सेवक का पीछा करना भी मुश्किल है। एलिशा ने एक मन बना लिया था कि मैं एलिया का पीछा करूँगा और दुगने मसीह को प्राप्त करूँगा, और उसी पर अड़ा खड़ा रहा। इसलिए वह एलिया के दुगने मसीह को प्राप्त कर रहा पाया। जिस चीज़ के ऊपर हम जोर नहीं लगाएंगे वह कभी कामयाब नहीं होगी। यह आत्मा का एक नियम है। जोर मतलब एक आत्मिक गुस्सा, एक आत्मिक आग सेवा में खड़े रहने की या आशीष को लेने की। अगर 12 साल की लहू बहने वाली औरत कहती कि प्रभु को छूने की जरूरत नहीं, या फिर कहती कि जब परमेश्वर मेरे नगर में आए तो मैं उसे छू लूंगी, तो वह कभी चंगी ना हो पाती। लेकिन वह मन बना चुकी थी, वह आत्मा में जाग चुकी थी कि मैं प्रभु को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर की हर आशीष के लिए आपको ताकत लगानी पड़ती है, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आप परमेश्वर की सेवा करोगे और तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं आएगी या कोई चुनौती नहीं आएगी? पर यह चीज परमेश्वर देखता है कि कौन मेरे काबिल है और किसे आशीष देनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा कि बलवान परमेश्वर के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश करेंगे। जब आप जोर लगाएंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, तो फिर चाहे वह आपकी चंगाई हो, आशीष, या परमेश्वर से कुछ लेना हो, परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमेन, आमेन, आमेन। यह घोषणा प्रेरित जी की तरफ से आपके लिए की गई है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि इस वचन को पढ़ने वाले लोगों के जीवन में इस वचन की सामर्थ्य काम करे, यह अपने मुश्किल समय में अड़े और खड़े रह सकें, और परमेश्वर के आत्मिक सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करे, ताकि यह बड़ी गवाही के साथ वापस आ सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में,
आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।